तो बहुत ही लंबे समय बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की क्वेरीज बहुत है और बहुत सारे आपके सवाल है, तो क्यों नहीं उन सब सवालों को सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन आपको मेरी एक आदत पता है, मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। तो कल दोस्तों मेरे पास में एक कॉल आया, एक IIM CET जो एस्पिरेंट था, जिनकी कोई अच्छी सी रैंक आई थी, तो उनका मेरे पास में कॉल आया, बोला कि सर मेरे को एक आदमी का कॉल आया था और मुझे बोला गया कि आपको 10,000 rupees एज अ टोकन चार्ज देने हैं और उसके बाद में आपको अपना मन पसंदीदा IIM कैंपस मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो, इस तरीके से फ्रॉड फैल रहा है हर जगह। आपको काउंसलिंग के लिए, आपको IIM की काउंसलिंग के लिए कहीं पर भी कोई पैसा नहीं देना है, किसी भी काउंसलर से कोई बात नहीं करना है। कोई अगर बोलता है कि हम आपको कॉलेज दिलवा देंगे आपकी मन पसंदीदा IIM गवर्नमेंट कॉलेज, तो उनकी बातों में मत आओ। जो अगर सब कुछ होना है, अगर आपको कॉलेज भी मिलनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक चीज़ पर मिलेगी, वो है आपकी रैंक। बाकी आप इन सब फ्रॉड चीज़ों में मत पढ़ो तो सबसे अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि IIM CET 2020 का रिजल्ट आ चुका है और अब इसके बाद मैं काउंसलिंग के लिए फर्दर कैसे हमको प्रोसीड होना है कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाओगे यहाँ से लेके। लेकिन उससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों रिजल्ट आ चुका है और उसके साथ में कुछ गाइडलाइंस और कुछ नोटिफिकेशंस भी आई है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको अगर जो भी काउंसलिंग करवानी है वो सिर्फ और सिर्फ IIM कैंपसेस। जब भी मैं IIM कैंपस वर्ड का नाम लेता हूँ, इसका मतलब होता है IIM के गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं? टोटल 6 कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो उसके लिए ही सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग होती है। आपका एम है कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ो, तो आपको कोई इंतजार नहीं करना, आपको कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, आप सीधा प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने बेस पर। पहला डाउट क्लियर। दूसरा डाउट ये कि अब काउंसलिंग के लिए फर्दर हम कैसे बढ़े। सर हमारी रैंक 2000 है, सर मेरी रैंक 3rd है, सर मेरी रैंक 5000 है, सर मेरी रैंक 700 है, हमको क्या IIM कैंपसेस मिलेंगे? तो दोस्तों मैं इसमें आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर कैटेगरी ऑल्सो, कैटेगरी का बहुत ही फायदा मिलता है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो उसका भी अलग से रिजर्वेशंस है, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है। बिना काउंसलिंग अप्लाई किए आपको नहीं पता चलने वाला है कि आपको IIM गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप ना तो मुझसे पूछे कि इतनी रैंक पे क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है, हाँ, लेकिन मैं आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ कि इतनी रैंक पर आपको मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, लेकिन अश्योरिटी तो आज की तारीख में कोई नहीं देगा। हाँ दोस्तों, IIM के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको बस आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड तो रहेगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। तो अब वहाँ पर एक काउंसलिंग का सेशन आएगा, उस काउंसलिंग का एक सेशन जो होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, सिंपल प्रोसीजर्स है, वो आपको फॉलो करने। एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ पर आपको अपनी चॉइस डालनी पड़ेगी कि आपको IIM का कौन सा कैंपस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मेरी कोलकाता, और फिर वहाँ पे आपको ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कोर्स परसू करना है, जैसे कि BTech मरीन इंजीनियरिंग। तो वहाँ पर आपको 2-3 चॉइसेस मिलती है, मल्टीपल चॉइसेस। आपने फर्स्ट चॉइस में डाल दिया मेरिक कोलकाता BTech मरीन इंजीनियरिंग, सेकंड ऑप्शन में आप ये डाल रहे हैं कि TS चाणक्य BSc नॉटिकल साइंस। तो इस तरीके से आपको चॉइसेस भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आप काउंसलिंग का फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बता दूं, इसका जो चार्जेस है वो अराउंड 10,000 रहते हैं, तो ये आपको पे करने ही पड़ेंगे। ये रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंड तभी हो सकते हैं जब आपको IIM का कोई भी कैंपस नहीं मिले। मतलब सब जब एडमिशन लिस्ट आएगी, तो कंप्लीट एडमिशन लिस्ट आने के बाद में पता चलता है कि सर मेरा तो किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसके बाद में आपको वो कुछ फीस है अप्रोक्सीमेटली 10% जो है वो डिडक्ट कर लेंगे और उसके बाद में बाकी का पैसा आपको दे देंगे। तो ये बात आपको कंप्लीटली ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आप काउंसलिंग के लिए जो भी आपका मन पसंदीदा कॉलेज है या फिर आपने किसी से पूछ रखा है कि ये कॉलेज अच्छा है, तो उसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं, बिल्कुल इजी प्रोसीजर्स है, आप खुद अपने आप कर सकते हैं। आप 12th पास है तो आपसे एक्सपेक्टेड है आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो बस ये सिंपल प्रोसीजर फॉलो कर दोगे आप, फिर IIM अपनी ये सब कुछ विंडो क्लोज करने के बाद में अब वो डिक्लेयर करेगा एडमिशन लिस्ट। और एडमिशन लिस्ट जैसे कि उनकी पिछले कई सालों से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, 3 एडमिशन लिस्ट निकलती है,
तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आया तो मे बी सेकंड में नाम आ सकता है, मे बी थर्ड में नाम आ सकता है। तो पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो आपको बस एडमिशन लिस्ट में देखना है कि कहां पर आपका नाम आता है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद में इनकी एक टोकन फीस होती है जिसको ये लोग प्रोग्राम फीस के नाम से बोलते हैं। ये 25,000 रुपीज की होती है। ये आपको पे करके एज अ प्रोविजनल एडमिशन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। फिर आपको उस इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना पड़ेगा विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स। और जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ और डेटास फिल कर दिए थे और अभी जो उनके पास मार्कशीट है उसमें कुछ और डेटास है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वैलिड जो प्रूफ है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे एट IMU कैंपस। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है, दिमाग में रखो। ज्यादा किसी से कुछ भी पूछने का काम नहीं है। डाउट है तो मुझे कॉल करो, यहाँ पर मैं लिंक डाल रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मेरे को, हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए। तो आपने पर्टिकुलर कैंपस भी सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद में आपने पर्टिकुलर अपना कोर्स जो आपको परसू करना है वो भी आपने ऑप्ट कर दिया। अब फाइनली सब कुछ प्रोसीजर हो गया, आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया, आप IMU कैंपस चले गए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, तो फिर आप कंप्लीटली रेडी है उस कैंपस को ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। किसी भी एजेंट के चक्कर में मत आओ, किसी भी काउंसलर के चक्कर में मत आओ। जो आपको कॉलेज है वो सिर्फ एक ही शर्त पे मिलेगा, वो है आपकी रैंक। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि किसी की रैंक 7000 है लेकिन ही और शी बिलोंग्स टू द SC कैटेगरी, तो उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है जहां का। और जिसकी अगर 1000 रैंक है वो अगर जनरल कैटेगरी से, तो उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। आपको अगर लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए काउंसलिंग के लिए तो मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल जाके काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सब कुछ प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोसीजर, आपको कहीं पर दिमाग खर्च करने की बात नहीं। और मैंने बोला था एक बोनस टिप आपको दूंगा, हालांकि मैंने बोला नहीं था लेकिन फिर भी मैं एक बोनस टिप आपको दे रहा हूँ। रैंक सर्टिफिकेट जो ऑफिशियल रैंक सर्टिफिकेट है, क्योंकि फिलहाल अभी तक तो आपको अपनी सिर्फ रैंक पता चली है, तो रैंक सर्टिफिकेट सर कब डाउनलोड होगा? 27th of September आज की इवनिंग में आप रैंक सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि रैंक सर्टिफिकेट का काउंसलिंग में कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी रैंक डालनी है, अपने जो CET के नंबर है वो सब कुछ डालना है। तो आपको रैंक सर्टिफिकेट का इंतजार करने की कोई चिंता नहीं है। आप चाहो तो अभी ये वीडियो खत्म हो उसके बाद ही आप बिल्कुल अपना काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर नहीं पता कि कौन से अच्छे कॉलेजेस है, आप वीडियोस देख सकते हैं, और डाउट्स आ रहे हैं हमको कॉल कर सकते हैं, और डाउट्स आ रहे हैं तो आप अपने बेस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन किसी एजेंट और ऐसे फ्रॉड चक्कर में मत पड़ो, पैसा भी जाएगा, कॉलेज भी नहीं मिलेगा और फिर यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। ठीक है, आई होप कि मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि हम सब डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, वहां पर जाकर कमेंट करो। आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।